तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है ड्रैगन पैलेस का जर्नी। और हम चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कहा था कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकारता हूँ और आगे इस देश को भी मैं बौद्ध में रहूँगा, तो मुझे लगता है कि ड्रैगन पैलेस के माध्यम से हम ये पहला कदम उठाया। सबको बहुत खुश की बहुत सारी शुभकामनाएं मैडम रानी जी, जो कि ये एरिया जो है वहाँ पे ड्रैगन पैलेस बनाने का उद्देश्य और सबको सबके दिलों में इतना बड़ा उन्होंने नाम कमा है, तो सब लोग इनको ताई करके संबोधते हैं, तो सबके लिए ताई है सुलेखा ताई कुमारी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चार अक्टूबर और 5 अक्टूबर ये धम्म परिवर्तन दिन के तौर पे मनाया जाता है। 2 दिन का महोत्सव रहता है और ये भी नागपुर में, जो कि दीक्षा भूमि ड्रैगन पैलेस और नागलोक करके है नागपुर के एरिया में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर मैन रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ अभी कामटी में ड्रैगन पैलेस में हूँ, अभी ड्रैगन पैलेस के एरिया में। तो मैंने अपनी उड़न दस्तरी को यहाँ पे पार्किंग में पार्क किया हुआ है, तो यहाँ से निकलते हैं ड्रैगन पैलेस का नज़ारा देखने, बहुत खूबसूरत, क्योंकि आज का कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे पॉलिटिशियन लोगों का, तो पता नहीं मेरे ख्याल से शाम को होना चाहिए या हो गया कि नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चलते हैं ड्रैगन पैलेस के अंदर में, तो अंदर अलाव है कि नहीं है ये नहीं पता मुझे, फिर भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी लगा के बाहर निकले, जैसे मैंने गेट के अंदर में एंट्री किया ना भाई, इतनी सारी दुकानें हैं, भयंकर हर एक चीज़ की यहाँ पे दुकानें देखने को मिलेगी। देखिए मेरे पीछे देखिए, वहाँ से स्टार्ट हुए इतनी सारे दुकानें हैं, देखिए चाइनीज़ वाला है, आइसक्रीम वाला है, इधर साइड में कुछ छोटे मोटे खिलौने की दुकानें, कपड़े की दुकानें, और यहाँ पे बुद्ध प्रतिमा की दुकानें हैं, बुक्स, तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे जो छोटे बच्चों से लेके बड़े आदमियों तक मन ललचा मन करेगा वो ले लेते हैं। तो चलते यहाँ से ड्रैगन पैलेस की तरफ। तो भाइयों देखिए, चाहुल नाते की मैरिज ब्यूरो है ये यहाँ पे, बहुत समाज लोगों का यहाँ पे दोस्तों। तो यह है पुलिस चौकी, कामटी की पुलिस चौकी ये। तो ये गेट है ड्रैगन पैलेस की तरफ जाता है, तो यहाँ से देखिए यहीं से इतना भीड़ दिख रहा है, बहुत भयंकर भीड़ दिख रहा है, फिर भी चलते हैं बीच में रास्ता निकाल के। तो दुकानों की यहाँ पे भरमार है, कोई टेंशन है नहीं यहाँ पे, अरे कुछ तो अलग है भाई, यहाँ दुकानें लगी हुई है यहाँ पे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर देखिए करके ये गौतम बुद्ध जी के एकदम सुंदर बैठी हुई मुद्रा में। अभी मेन ड्रैगन पैलेस के अंदर में गेट के अंदर में पहुँचे हैं, ये देखिए यहाँ से पूरे फ्लैग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में देखिए पूरे चप्पलों का यहाँ पे बनाया हुआ है स्टॉल,
तो यहाँ से अंदर जाते हुए एकदम दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ तो पूरे ग्रीनरी ग्रीनरी है। ऐसा है कि ये जो ड्रैगन पैलेस है ये पूरा जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, मैं छोटा था तब की है, ये ड्रैगन पैलेस का निर्माण हुआ था, पूरा जापानीज टेक्नोलॉजी यहाँ पे है और अंदर में पूरा शांत वातावरण, एक बार विजिट किया था मैंने। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है ड्रैगन पैलेस का जर्नी। ड्रैगन पैलेस ये दोनों तरफ देखिए, ये इधर साइड में नमो बुद्धा है और इधर साइड में जय भीम करके लिखा है, और यहाँ से निकलते हैं अंदर। जो मेरे पीछे में जो दिख रही है बिल्डिंग, ये पूरा जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और यहाँ से चलते हैं ड्रैगन पैलेस के अंदर में। देखिए एकदम खूबसूरत ड्रैगन पैलेस, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे जो लिखा है भगवान बुद्धांचे है परम पवित्र महाविहार, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जापानीज और ये हिंदी, ओके सॉरी मराठी, तो ये तीन लैंग्वेज में लिखा है, ये पूरा जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा है ये। तो ये बहुत खूबसूरत ये एरिया है ड्रैगन पैलेस का, जो कि लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, और ये बिहार, तो यहाँ से निकलते। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भारत में इतने सारे धरोहर हैं, बहुत सारे हैं, उसमें से ही एक धरोहर है कामटी में, जो कि नागपुर के पास कामटी में है, ड्रैगन पैलेस करके बोलते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारत में इतनी सारी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि देखने लायक है, बार बार आने की इच्छा होती है, वैसे ही हमारे कामटी में ड्रैगन पैलेस है। ड्रैगन पैलेस बहुत सुंदर है, और उनके पीछे जो बांधने का फोटो बहुत बढ़िया सा है, और उनके पीछे में जो भी है हाथ पार लगा है, ये सूर्य का दही गुब्बारे थे, तो ये 66वें जन्म परिवर्तन दिन की शुभकामनाएँ हम लोग देते हैं। यहाँ पर ड्रैगन पैलेस टेम्पल में आने वाले सब हमारे पांडव जो देश विदेश से आए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और इस अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पवित्र दीक्षाभूमि से लाखों की संख्या से लोग अभी ड्रैगन पैलेस आना पसंद करते हैं, और कल यहाँ पर 4-5 लाख लोग ड्रैगन पैलेस में आए हैं। ये ड्रैगन पैलेस अभी शांति में थे, मानव कल्याणकारी विचार का एक प्रतीक करके पूरी दुनिया में अब इसका नाम हुआ है, और हम चाहते हैं कि पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कहा था कि मैं पूर्ण धर्म स्वीकारता हूँ और आगे इस देश को भी मैं पूर्ण मैं दूंगा, तो मुझे लगता है कि ड्रैगन पैलेस के माध्यम से हम ये पहला कदम उठाया है। सबको बहुत बहुत इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं मैडम जी, जो कि ये एरिया जो है वहाँ पे ड्रैगन पैलेस बनाने का उद्देश्य, और सबको सबके दिलों में इतना बड़ा उन्होंने नाम कमा है, तो सब लोग इनको ताई करके संबोधते हैं, तो सबके लिए ताई है सुलेखा ताई कुमारी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम
मौसम बना हुआ है और यहाँ पे बारिश ने फिर से कल की तरह यहाँ पे भी विघ्न डाला है। लोग जितने भी थे बाहर सब अंदर आ गए, मगर अभी थोड़ा बारिश कम हो गया, इसकी वजह से सब निकल रहे हैं और अपन भी निकलते हैं। इतना खूबसूरत दृश्य है ड्रैगन पैलेस का। एक्चुअली ड्रैगन पैलेस के अंदर में बहुत सारे लोग जमा थे क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी, और अपने सुलेखा दाई कुमारी जी भी वहाँ पे थी, वहाँ पे बैठे हुए, और उन्होंने बताया कि कल यहाँ पे स्टेज पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जो कि पॉलिटिशियन आए थे, चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, उसके बाद फडणवीस जी जो उप मुख्यमंत्री है। तो कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ शाम को, तो आज मैंने ड्रैगन पैलेस के अंदर का नज़ारा बता दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत और बहुत खूबसूरत मुद्रा में बैठी हुई है गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, और ये एरिया भी पूरा ग्रीनरी भरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया सा लगा यहाँ पे विजिट करके, और आज के दिन तो चलता है क्योंकि 5 और 6 तारीख के धम्म परिवर्तन दिन के तौर पर मनाया जाता है, 2 दिन जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ड्रैगन पैलेस के पीछे जो बनाने का जो सबसे बड़ा हाथ था सुलेखा जी कुम्बारे का था, और पूरा जापानीज टेक्नोलॉजी पे ये डिपेंड है पूरा का पूरा। ये ड्रैगन पैलेस आप देख रहे होंगे, ड्रैगन जो नाम आया है जापानीज से आया हुआ है, तो वही चीज़। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बौद्ध समाज की जो भी स्तूप है या पैलेस है, ये पूरा जापानीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो ये खूबसूरत देखिए, बादल बरस रहे हैं और लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो ये है एग्जिट पॉइंट। तो मिला जुला जो था बहुत बढ़िया सा बना है यहाँ पे मौसम, और आज का मैं ब्लॉग भी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।